नहीं पसंद था पति का लुक, हैंडसम देवर से प्रेग्नेंट होना चाहती थी महिला, फिर कर दिया ऐसा कांड कि पति के उड़ गए होश, सामने आया खतरनाक सच। पति के साथ रहकर भी 10 साल तक नहीं पैदा किया एक भी बच्चा, फिर अचानक पसंद आने लगा देवर तो कर दिया बड़ा कांड, दुनिया के सभी पतियों की उड़ गई नींद। फरियाद लेकर थाने में पहुंचा पति तो पुलिस वालों की भी पैरों तले खिसक गई जमीन, दुनिया की सबसे शातिर महिला निकली ये पत्नी। वीडियो में समझे पूरा मामला। शादी ब्याह 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता समय के साथ और भी पक्का और गहरा हो जाता है। जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो उसका लुक आपके लिए मायने नहीं रखता, कपल के बीच बच्चे भी उनके रिश्ते को जोड़े रखने में काफी अहम रोल निभाते हैं। लेकिन छतरपुर में शादी के 10 साल तक एक महिला ने अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए एक भी बच्चा पैदा नहीं किया क्योंकि उसे उसके पति का लुक अच्छा नहीं लगता था। इतना ही नहीं, इस बीच उसे उसका देवर काफी पसंद आने लगा तो उसने कुछ ऐसा कदम उठाया, मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि कपल के बीच किसी तरह की अनबन थी या कपल में कोई कमी थी, दरअसल पत्नी को चाहिए था हैंडसम बच्चा जबकि पति का लुक कुछ खास नहीं था, इस कारण उसने 10 साल तक अपने पति को बाप बने के सुख से वंचित रखा। हालांकि इस दौरान महिला की नजर अपने हैंडसम देवर पर थी, मौका मिलते ही उसने देवर को जाल में फंसाया और उसके साथ भाग गई। पति राजेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी को सुंदर बच्चा चाहिए था, 10 साल तक वो अपने पति के साथ गर्भ निरोधक खा रही है और उसे अपने पति जैसा बच्चा नहीं चाहिए था, उसे अपने देवर जैसा हैंडसम बच्चा चाहिए था। इस कारण मीना ने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जब घर वालों को इसकी भनक लगी तो दोनों भाग गए। पति का कहना है कि उसे दोनों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वो राजेंद्र को खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पति ने बताया, बच्चा ना होने को लेकर मैं काफी परेशान था, मैंने झाड़ फूक और तंत्र मंत्र भी कराया लेकिन लाभ नहीं हुआ। एक बाबा के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अपवित्र हो गए हो, दोनों जाकर गंगा नहाओ फिर बच्चा हो जाएगा, बच्चा खूबसूरत भी होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस बात को मैंने अपनी पत्नी से बताया, कहा कि चलो गंगा नहाते हैं, तो पत्नी बोली कि मुझे तुमसे बच्चा ही नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारे साथ गंगा नहाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तुमसे ही गंगा नहाना चाहती हूँ, यानी तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, और मैं गंगा नहाऊंगी तो अपने प्यार यानी तुम्हारे छोटे भाई और अपने देवर के साथ, उसी से मैं प्यार करती हूँ और उसी से बच्चा चाहती हूँ, वो देखने में तुमसे सुंदर है और उसी से मैं सुंदर बच्चा भी करूंगी। छतरपुर में रहने वाले एक शख्स ने थाने जाकर मदद मांगी है। सीताराम कॉलोनी में रहने वाले 28 साल के राजेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार के साथ SP ऑफिस में आवेदन दिया है। राजेंद्र ने बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी मीना कुशवाहा से हुई थी, लेकिन अब उसकी पत्नी अपने देवर के साथ भाग गई है, दोनों अब उसे खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में उससे मदद मांगी है कि अगर उसकी पत्नी और भाई कुछ कर लेते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाए। इस पूरे मामले में एडिशनल SP विक्रम सिंह का कहना है कि फरियादी की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है, इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फॉलो फॉर मोर।